वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज वेबहोलिक्स में हम बात करेंगे उन वेबसाइट्स पर जो आपने रेकमेंड किए हैं। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस सो मच। आपने हमें ईमेल्स करे हैं, सब कुछ करे, एंड प्लीज कीप ऑन डूइंग दैट। इंटरेस्टिंग वेबसाइट रमीज अहमद ने, हु इज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स कराची के नेशनल गवर्नमेंट कॉलेज, नेशनल गवर्नमेंट कॉलेज कराची से उन्होंने ईमेल भेजी है। उन्होंने रेकमेंड किया लाइव मौका, मौका नहीं मौका जैसे कॉफी मौका होती है, यस, इट्स लाइव moca.com। ये एक वेबसाइट है जहां आप फ्रेंड्स बना सकते हैं और स्पेसिफिकली लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। इट्स अ फैंटास्टिक वेबसाइट एंड इट्स फ्री। लैंग्वेजेस सीखनी है तुम्हें? यार आई वाज ऑलवेज इनटू लर्निंग लैंग्वेजेस, लेकिन प्रॉब्लम ये थी पहले इतना एक्सपेंसिव है, टाइम निकालो, क्लासेस लेने जाओ, पैसा अलग खर्च करो। आई मीन ट्रू, बट ये वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट, इंटरनेट हमेशा एक सब्सटीट्यूशन नहीं होती कि आप क्लासेस ना जाएं। लैंग्वेज सीखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरनेट ट्यूटोरियल्स वेबसाइट से आप अपनी लैंग्वेज को बेहतर कर सकते हैं और इनफैक्ट सीख भी सकते हैं, मगर एक हाई लेवल तक नहीं। तो ये ना आप लोग समझे कि क्लासेस ना लें आप अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है। सो आई मीन जिनके पास टाइम है, वो कैन अफोर्ड टू, दे शुड टेक क्लासेस, बट जिनके पास नहीं है, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, या अगर आपको फ्रेमवर्क, थोड़ी सी जबान, आपको थोड़ी थोड़े वर्ड्स फॉर एग्जांपल फ्रेंच में आते हो, फिर आप वेबसाइट पर जाके, दिस बिफोर ट्रैवलिंग, इफ आई एम ट्रैवलिंग टू फ्रांस और जर्मनी या एनीथिंग, सो मैं एक वेबसाइट पर जाऊं, थोड़ा सा एक दिन निकालूं, कुछ जागन्स पकड़ लूं लैंग्वेज के। बट लाइव मौका डॉट कॉम एक बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है। ये एक वेबसाइट है जहाँ के आप ना सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, आप उसी वक्त अगर इफ यू साइन अप टू लाइव मौका डॉट कॉम आप फ्रेंड्स बना सकते हैं जिनके साथ आप जो जबान आप सीखने जा रहे हैं, यू कैन कन्वर्स विद देम। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्रेंच सीखनी है, वो पहले वेबसाइट जब आप साइन अप करेंगे आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी जबान बोल सकते हैं और कौन सी बोलना चाहेंगे। अगर आपने कहा कि हम उर्दू बोल सकते हैं और फ्रेंच सीखना चाहेंगे, तो फिर ऑप्शंस आपके सामने होती हैं कि आप नाउन्स, एडजेक्टिव, प्रोनाउन्स, किस तरह की चीजें। दोस्त भी फिर वही होंगे जिनको उर्दू और फ्रेंच आती होगी, मतलब यू कैन ऐड देम, नॉट नेसेसरी, पर अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने खोला पेज, आपने कहा मुझे नाउन्स सीखने हैं, तो नाउन्स आपने खोले, नाउन्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनकी मीनिंग मिलेगी और प्रोनाउंसिएशन मिलेगी कि आप किस तरह उसको कह सकते हैं, और लेवल्स भी आपके हार्डर हार्डर होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पॉइंट पर आके फंस गए हैं कि अब मुझे ये चीज़ें आती हैं मगर रियलिस्टिकली मैं क्या मैं ये अब बोल सकता हूँ, यू कैन लॉग इन और आपकी तरह बहुत सारे लोग आपकी लेवल पर जो जबान सीख रहे हैं आप उनके साथ चैट कर सकते हैं और अपनी स्किल्स बेहतर बना सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड दिस वेबसाइट फॉर पीपल दैट आर लर्निंग लैंग्वेजेस। आई एम लर्निंग अ लैंग्वेज, आई एम गोइंग टू चेक इट आउट। I have a really interesting website and it is the website of the week this week. Oh, yes. अब मुझे खुद नहीं पता कि इसका नाम सीरियसली क्या है, मगर हमें बताया गया कि इसका नाम है pakistaniyat.com। इट कुड बी पाकिस्तानी एट, बट आई थिंक इट्स pakistaniyat.com। बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, काइंड ऑफ अ ब्लॉग, ब्लॉगिश टाइप की वेबसाइट है जिस पे आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप पिक्चर्स डाल सकते हैं, इस पे सिंगर को ट्रिब्यूट दे सकते हैं, whatever, it's basically a very interesting forum और एक स्पेसिफिकली पाकिस्तानी फोरम है। अगर आपके पास और कुछ नहीं है करने को, जिस तरह के आपके पास भी नहीं होता, अच्छा, तो एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है जिस पे आप जाके बस देख सकते हैं। Also, you've been there. I really like it. In fact, the best part is when उस पे comments होते हैं. I mean, different kind of people, different views, different unique Pakistani comments होते हैं. और लेकिन अच्छी बात मुझे सबसे ये लगती है कि वो तमीज के दायरे में रह के करते हैं. The moderators must be very strict. They are strict. और बहुत ही कोई फजूल बात नहीं, कि मैंने अभी तक कोई फजूल कमेंट नहीं देखा है। So the website of the week is pakistaniyat.com. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंट्रोल रीड। ये मत भूलिएगा कि हर हफ्ते हम ट्रिविया क्वेश्चन पूछते हैं शो के शुरू में और एंड में हम 5 लकी विनर्स अनाउंस करते हैं जिनको एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिलता है, सरप्राइजिंग गिफ्ट मिलता है। यूएसबी। इस हफ्ते का सवाल पिछले हफ्ते का सवाल था, व्हाट इज डीवीडी, यानी कि डीवीडी व्हाट इज इट स्टैंड फॉर, द वर्ड डीवीडी, डीवीडी स्टैंड फॉर, पता है? यस, डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या बात है, आई नो, मुझे भी कुछ चीजें पता होती हैं यार, ऐसी बात है। तो हमारे 5 लकी विनर्स ने एक बहुत ही फैंटास्टिक यूएसपी जीता है। आपके नाम ये हैं। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स दैट वन फैंटास्टिक यूएसपी जिसपे कंट्रोलॉजी का नाम ही लिखा हुआ है। वो हट भी नहीं सकता, नहीं हट सकता। हाँ, स्पेशल टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की है। कोई भी वेबसाइट, इफ यू वांट अस टू रिव्यू इन आवर शो, कोई भी आप रिकमेंडेशन हो, कोई भी आप क्वेश्चन हो, प्लीज डू ईमेल अस, वी विल बी वेटिंग फॉर यू। एंड सो रिमेंबर टू कीप इट सेफ, नो वायरसेस, गुड नाइट, बाय बाय।